अस्सलामुअलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ आए हैं और एक नई सोसाइटी जो कि मुल्तान में बिल्कुल मिडल ऑफ द मुल्तान वाकई है, जिसका नाम है एडम हाउसिंग। ये न्यू कचहरी के सामने है और इस साइट से अगर हम इसको देखें तो ये वापडा टाउन फेस टू के साथ मुलक है और बहुत खूबसूरत अच्छी लोकेशन है जी। ये एडम्स हाउसिंग की कॉलोनी के अंदर जो मस्जिद इन्होंने बिल्ड की है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बड़ी जल्दी इन्होंने बिल्ड कर दिया। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि मेरे ख्याल है हार्डली कोई 5 to 6 month में मस्जिद रेडी है और यहाँ पे माशाल्लाह नमाजी आके नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, जो डीलर्स हैं, इस सोसाइटी के कुछ काफ़ी सारे लोग हैं जो इसके अंदर अभी घर बना रहे हैं और घर बन रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा एडिशन है। इसी हिसाब से इसकी सोसाइटी के जो मेन फीचर्स हैं उसमें से ये एक फ़ीचर है और आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि इन्होंने अच्छा इसको ग्रीन पे इसको आगे इसकी ग्रीनरी छोड़ी है, अच्छा इसको टॉप किया है और मस्जिद की ब्यूटी भी बड़ी खूबसूरत है और खुली मस्जिद है ये। इसमें दो मस्जिदें हैं, एक मस्जिद ये है और एक इससे आगे एक मस्जिद है जो कि हम आपको दिखाते हैं। और ये स्टार्टिंग में मस्जिद है, यहाँ से अगर आपको उसका गेट का व्यू दिखाया जाए तो बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से गेट के बिल्कुल सामने जैसे ही आप इंटर हों, कॉलोनी के अंदर हों, इंटर हों, तो आपको मस्जिद नज़र आती है। मस्जिद जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा रिच लुक देती है, ऐसा लगता है कि कोई अच्छी चीज़ बनी है और अच्छे डेवलपर ने अच्छे डेवलपमेंट की है। तो इसका मस्जिद का थोड़ा सा अंदर से व्यू देने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें कि मस्जिद में इन्होंने वॉशरूम बड़े अच्छे इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम इंस्टॉल है और ऐसे ही वज़ू की जो जगह है वो भी आप देख सकते हैं कि वज़ू की बड़ी बेहतरीन जगह इन्होंने बनाई हुई है। मैं अंदर तो नहीं जा रहा लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मस्जिद का अच्छा व्यू एक दिखा सकूँ।